एब्राकडेब्रा, मैं आपको अब जादू करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों एब्राकडेब्रा वर्ड हम सभी जानते हैं कि जादूगर इस्तेमाल करते हैं मजिशंस जब उनको कोई ट्रिक दिखानी होती है। तो आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि ये वर्ड इस तरीके से कैसे यूज होना शुरू हुआ, इसकी ओरिजिन क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको पता चल जाएगी। मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है, एब्राकडेब्रा इज जस्ट अ फन वर्ड सेट बाय मजिशंस एज दे डू अ ट्रिक। जब भी जादूगरों को कोई ट्रिक दिखानी होती है तो वो इस वर्ड का यूज हंसी मजाक में, मस्ती मजाक में करते हैं। यानी एब्राकडेब्रा बोलते हैं लोग तो इसकी कोई सीरियस मीनिंग नहीं होती, आज के जमाने में इसकी सीरियस मीनिंग नहीं है। बट बैक इन द 17th सेंचुरी, लेकिन 17वीं शताब्दी में इट वॉज मोर सीरियस। ये जो वर्ड है ये बड़ा सीरियस हुआ करता था, ज्यादा सीरियस इसकी मीनिंग थी। कैसे और किस तरीके से यूज होता था, तो यहां लिखा है दोस्तों, अ मैजिक वर्ड दैट वॉज सपोज टू बी अ चार्म अगेंस्ट फीवर एंड वॉज इनग्रेव्ड ऑन एन एमुलेट वर्न अराउंड द नेक। तो 17th सेंचुरी में, 17वीं शताब्दी में, जब इलाज का उतना इंतजाम नहीं हुआ करता था, मेडिकल फैसिलिटीज उतनी अच्छी नहीं थी, दुनिया विकसित नहीं हुई थी, विकास कर ही रही थी, उस जमाने में बीमारियों से बचने के लिए लोग झाड़ फूंक का, जादू टोने का सहारा लेते थे। दुनिया के कई हिस्सों में लोग आज भी झाड़ फूंक का सहारा लेते हैं, जादू टोने का सहारा लेते हैं बीमारियों से बचने के लिए या किसी भी तरह की बाधाओं से बचने के लिए। और उस जमाने में तो बहुत ज्यादा ही यूज होता था। तो उस जमाने में 17th सेंचुरी में लोग बुखार से बचने के लिए, आप समझिए बुखार का भी कोई बहुत अच्छा इलाज उस समय नहीं था, तो बुखार से बचने के लिए लोग एक ताबीज के ऊपर इस वर्ड को लिखवाते थे और अपने गले में पहनते थे। उनका ऐसा विश्वास था कि एक जादुई वर्ड है, एक मैजिकल वर्ड है, और अगर इसको हम एक ताबीज के ऊपर लिखवा के पहनेंगे तो हमें बुखार नहीं होगा, या हो भी गया है बुखार तो उतर जाएगा। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी ये इंफॉर्मेशन बताता हूं कि ताबीज के ऊपर ये किस शेप में लिखा होता था। तो देखिए यहां पर बताया कि एब्राकडाब्रा वॉज रिटन सो दैट इट फॉर्म्ड अ ट्राइंगल। एब्राकडाब्रा ऐसे लिखा होता था ताबीज पर जैसे कोई ट्राइंगल हो, यानी त्रिकोण हो, बिगिनिंग विद ए ऑन द फर्स्ट लाइन, ए बी ऑन द सेकेंड एंड सो ऑन। तो पहली लाइन में अगर आप नीचे देखेंगे, ये जो सामने आपके ट्राइंगल है उसमें जो सबसे पहली लाइन है नीचे, उसमें सिर्फ ए लिखा है, उसके बाद ए बी लिखा है, उसके बाद ए बी आर लिखा है, और एंड में लास्ट वर्ड जो है, जो पूरा वर्ड बन गया लास्ट में आके, और वो बन गया एब्राकडाब्रा। तो इसी शेप में ताबीज के ऊपर लिखवाते थे लोग और इसको अपने गले में पहनते थे। अब मैं आपको बताता हूं कि इस वर्ड की ओरिजिन क्या है, ये किस लैंग्वेज से ये वर्ड इंग्लिश में आया। आज तो हम इसको इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड समझते हैं, लेकिन ये वर्ड किस लैंग्वेज से इंग्लिश में आया ये मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर ये लिखा है, दिस वर्ड गोज बैक टू एंशंट टाइम्स। ये वर्ड बहुत ही पुराना वर्ड है, फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ लैटिन पोएम ऑफ द 2nd सेंचुरी। सबसे पहले ये वर्ड लैटिन लैंग्वेज में, लैटिन दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है, लैटिन, ग्रीक, संस्कृत, अरबिक, ये दुनिया की प्राचीनतम भाषाएं हैं, तो लैटिन उन्हीं में से एक है। और लैटिन लैंग्वेज में एक कोई कविता थी, कोई पोएम थी, वो 2nd सेंचुरी में, 2री शताब्दी में, एक कविता में, एक पोएम में इस वर्ड का सबसे पहली बार इस्तेमाल हुआ था। तो दोस्तों ये थी एब्राकडाब्रा के बारे में पूरी जानकारी। अगर आप इस तरह की और भी अमेजिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश ऑनलाइन विद कृष्णा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें जिससे कि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सकें, और बेल जो आइकॉन है आपके चैनल पर, नोटिफिकेशन को अगर आप ऑन करेंगे तो आगे ऐसे जितनी भी वीडियोज में डालूंगा आपको सारी मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।